हाँ तो चलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मेटलर्जी। अब एक तो आता है मेटलर्जी, अब आप ये एनसीईआरटी की बात करें औकात के हिसाब से अपने, तो एनसीईआरटी में मेटलर्जी नाम का कोई चैप्टर नहीं है। एनसीईआरटी ने मेटलर्जी को लिख रखा है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की तो आदत है डरा कर रखने की, वो तो भगवान राम के नाम को भी कैसे लिखती है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ऐसे लंबा चौड़ा करके लिखती है, तो मेटलर्जी को कैसे छोटा लिख सकती है वो, इसको भी काफ़ी बड़ा किया है, तो इसे डरने की कोई बात नहीं है, एक ही बात है दोनों। तो मेटलर्जी क्या हो गया, इस बड़े से नाम का एक निकनेम हो गया, ऐसे बोल सकते हैं अपन। जैसे मैं इसको क्या बोल दूँ, मेटलर्जी को मैं पप्पू बोल दूँ, समझ रहे हैं ना, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, बोलना नहीं है, समझ जाओगे, काफी समझदार हो ऐसे, है आगे लिख नहीं रहे, डैश डैश डैश, समझदार हो, समझ गए होगे क्या बोलना था। अच्छा इसको वीरेंद्र सहवाग बोलेंगे, इस बड़े जो एनसीईआरटी वीरेंद्र सहवाग बोलेगी तो अपन उसको वीरू बोलेंगे, होता है ना शॉर्ट में बोलते हैं अपन, तो बस यही मेटलर्जी और इसमें यही डिफरेंस है। तो बात करते हैं फिर मेटलर्जी होता क्या है एक्चुअली में, ये मेटलर्जी और अपन पढ़े क्यों रहे हैं इसे, इसकी जरूरत ही क्यों है। तो मेटलर्जी ऐसे कि अपने घरों में जितने भी मेटल्स वगैरह होते हैं, खासकर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड का यूज काफी अच्छे से होता है। कभी किसी ने सोचा है कि ये जो कंगन झुमके वगैरह औरतों ने पहने होते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? आप बोलोगे खदानों से आ रहे हैं, माइंस लगी होती हैं। मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ पे झुमके की खदान लगी हुई है कहीं पे, कहीं पे कंगन की खदान लगी हुई है, जाओ अपने अपने साइज से निकाल के ले आओ बोरे भर के, ऐसी खदान तो नहीं है वहाँ पे। हाँ गोल्ड की खदान तो जरूर सुनी होगी, डायमंड की सुनी होगी, लेकिन ऐसे झुमके वगैरह की खदान तो नहीं सुनी ना कभी किसी ने। तो होता क्या है कि अपने पास जो गोल्ड वगैरह अपने को जो मेटल मिलता है अपन उसको मॉडिफाई कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि अपने को करना क्या है उसमें। जैसे मेरे को मिला गोल्ड, मिला गया, लेना पड़ता है, खरीदना होता है, इसको मॉडिफाइड करने होते हैं और फिर इसको अपन अपने हिसाब से इंस्ट्रूमेंट जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये गोल्ड आ कहाँ से रहा है? जी आ रहा है खदानों से, बोल रहे हैं अपन। तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे तो है नहीं कि वहाँ पे गए और गोल्ड ही पड़ा मिलेगा अपने को, केवल वहाँ पे गोल्ड नहीं मिलेगा, वहाँ पे गोल्ड के साथ साथ गोल्ड आपको मिक्सिंग के रूप में मिलेगा, मिक्स होगा वहाँ पे किसी ना किसी कंपाउंड के साथ में, उसको अपन बोलेंगे गोल्ड की माइन। ये चल रही है यहाँ पे, KGF नाम सुना है ना सबने, कोलार गोल्ड फील्ड्स। यहाँ पे गोल्ड तो निकल रहा है लेकिन गोल्ड के साथ साथ में काफी इंप्योरिटीज और निकल रही हैं, जो अपने लिए इंप्योरिटीज हैं लेकिन गोल्ड का तो कंपाउंड है ना, तो उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना। जो गोल्ड जो मिक्सिंग फॉर्म में मिल रहा है यानी कि इसमें यहाँ पे क्या है भी इम्प्योरिटीज है, तो इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना और अपने को प्योर गोल्ड प्राप्त करना, इस मेथड को कहते हैं मेटलर्जी, कि जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको हटा के गोल्ड प्राप्त करना मेटलर्जी कहलाता है। अब ये मेटलर्जी एक स्टेप में होने वाला कोई प्रक्रिया है नहीं, और ये ऐसे भी है नहीं कि आप प्याज व्याज लगाओगे तो गोल्ड प्योर हो जाएगा, नींबू लगाओगे तो हो जाएगा, है पतंजलि की तरह। ये होता है एक इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसमें टेक्निक की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, कि मेटल को आइसोलेट करना इसके ओर से। ओर क्या होता है, तो ओर यहाँ पे एक मिनरल की तरह समझो अभी आप, कि जितने भी अपने को मिनरल तो समझते हैं ना क्या होता है, सबसे पहले ये बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर के जो कि आपको कुछ देख लेने हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, द कंपाउंड ऑफ द मेटल अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के भूगर्भ में मिलने वाले सभी कंपाउंड फॉर्म में वो मिनरल ही कहलाते हैं, यानी कि जो चीज़ें अपन जमीन से खोद कर निकालते हैं उनको मिनरल्स कह सकते हैं अपन। और यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि जैसे अपने को आयरन मिल रहा है तो आयरन ऐसा तो है नहीं कि एफ ही मिलेगा केवल नीचे, अपने को अर्थ क्रस्ट में एफ ही पड़ा मिलेगा, ये बात आप दिमाग से निकाल दो। एफ ही के साथ साथ एफ ही क्या है वहाँ पे कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा, Fe2O3, Fe3O4 इनकी फॉर्म में मिलेगा, हेमेटाइट मैग्नेटाइट इन सबको मिनरल्स बोलते हैं, इनकी फॉर्म में क्या होगा Fe अपने को मिलेगा। और अब इन फॉर्म में जो Fe के साथ ही ऑक्साइड वगैरह जो भी अटैच हैं इनको हटा के प्योर Fe अपने को निकालना है, तो उस मेथड को अपन मेटलर्जी बोलते हैं। तो मेटलर्जी के थ्रू ये क्या होता है प्योर Fe में कन्वर्ट करते हैं अपन इसे। आई बात कुछ समझ में, चलो मिनरल समझ में आया। फिर यहाँ पे और क्यों लिख रहा है, फिर यहाँ पे मिनरल ही क्यों नहीं लिख देता? तो यहाँ पे और इस वजह से लिख रहा है कि मिनरल्स और में भी कुछ डिफरेंस होता है, जनरली मिनरल्स और होते हैं ऐसे समझ सकते हैं, कि जितने भी अपने पास एक्टर वगैरह होते हैं
एक्टर लिखूँ मैं यहाँ पे, एक्टर होते वो सब क्या होते हैं, ह्यूमन ही तो होते हैं, होगा ऐसा तो है नहीं कोई जानवर गधा बन के बैठा हुआ है एक्टर होगा, वो नहीं हो सकता। साउथ वालों की बात नहीं कर रहा है ना, एक्टर क्या होते हैं ह्यूमन, कि जितने भी एक्टर होंगे वो ह्यूमन ही होंगे। लेकिन मैं ऐसे कहूँ कि जितने भी ह्यूमन है, जितने भी सब मनुष्य हैं वो एक्टर हैं, ये बात तो गलत होगी ना। क्यों? क्योंकि कुछ ह्यूमन ही एक्टर हैं जिन्हें क्या आती है, एक्टिंग आती है, उनको ही एक्टर बोलते हैं अपन। तो ठीक इसी प्रकार के जितने भी मिनरल्स हैं क्या वो सभी और हैं? नहीं, इनमें कुछ स्पेसिफिक करेक्टर होना चाहिए, स्पेसिफिक करेक्टर होना चाहिए। वे मिनरल जिनमें स्पेसिफिक करेक्टर होता है उनको और बोलते हैं। तो मैं एज एक लाइन ऐसे लिख लो कि ईच ओर्स आर मिनरल, कि जितने भी ओर हैं वो मिनरल होते हैं। लेकिन इसका उल्टा कि ईच मिनरल्स आर ओर, ये गलत हो गया ना, कि ईच इस तरह से हो गया। इसको यहाँ से समझो कि ईच एक्ट्रेस आर ह्यूमन, कि जितने भी एक्टर हैं वो ह्यूमन ही है, ठीक है। फिर मैं ऐसे बोलूँ ईच ह्यूमन आर एक्टर, कि जितने भी ह्यूमन है वो सभी एक्टर हैं, गलत बात है ना। ये तो एक्टर तो वो हैं जिन्हें एक्टिंग आती है, तो ये स्पेसिफिक करेक्टर हो गया उनका, तो और उनको बोलते हैं। अब इन मिनरल में क्या स्पेसिफिक करेक्टर होना चाहिए, कि एक्टिंग आनी चाहिए उनको, उनमें होना चाहिए मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशनली, कि वे मिनरल्स जिनसे अपन मेटल को इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली एक्सट्रैक्ट कर सकें, यानी कि वे मिनरल्स जिनसे अपन कोई भी मेटल अपन जो प्राप्त करना चाहते हैं वो अपन ईजिली और सस्ते तरीके से प्राप्त करें, सीधी लैंग्वेज में। तो यानी कि ऐसे समझो कि Fe2O3 है मेरे पास, अब मेरे को इससे Fe प्राप्त करना है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ मेटलर्जी करनी होगी, तभी तो मेटलर्जी के बाद में ही Fe मिलेगा, प्योर Fe तो तभी मिलेगा ना जब मैं इसको प्योर करूँगा, तो उस प्रोसेस को मेटलर्जी से गुजरना होगा। तो मेरे को इस प्रोसेस को करने में मेरा 1000 रुपया खर्च हो गया, 1000 रुपये का खर्चा आ गया। और पता चला ये जो Fe निकल गया है ये मेरे पास 10 रुपये का ही है, इसकी अपन मार्केट में कीमत लगाएंगे 10 रुपये की है, तो ये तो बहुत फ़ायदे का काम हुआ है, नुकसान का? ऐसा काम तो कोई नहीं करेगा। इसलिए इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली क्या होने चाहिए, कि ऐसे ज़रूर हो सकता था कि मेरे को ये Fe जो मैंने प्राप्त किया इसको मेटलर्जी करने में मेरे को 10 रुपये का खर्चा आया, और जब इसकी मार्केट में वैल्यू आई Fe को मैंने बेचा तो मेरे को 1000 रुपये मिले, तभी ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो यानी कि वे मिनरल्स जिनसे अपन इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली मेटल प्राप्त करें उनको और बोलते हैं, बस ये याद रखना। और क्या होते हैं? फिर बात करते हैं गैंग की, कि ये गैंग क्या होता है। गैंग को गैंगस्टर से समझ सकते हैं, गैंगस्टर में क्या होता है, फालतू लोग जिनको काम वाम नहीं होता, गंदगी फैलाना उनका काम है। तो गैंग भी एक गंदगी है, इम्प्योरिटी कि और में जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको, कि और में जितने भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उनको गैंग बोलते हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। यानी कि मेटलर्जी क्या काम करती है, इन इम्प्योरिटीज को हटाने का काम करती है, या फिर गैंग को हटाने का काम करती है, एक ही बात है। अब बात करते हैं मेटलर्जी एक स्टेप में होने वाला प्रोसेस तो है नहीं, इसके लिए इसे काफ़ी प्रोसेस से गुजरना होता है। ये वैसे ही होता है कि जैसे अपने को दूध से घी निकालना होता है, तो एक स्टेप में थोड़ी होता है, पहले दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर उसको विलोड़ित किया जाता है, उसके बाद उसमें से मक्खन घी निकलता है, तो काफ़ी प्रोसेस करने होते हैं। ठीक इसी प्रकार मेटलर्जी के भी काफ़ी प्रोसेस होते हैं, तो उन्हीं प्रोसेस की बात कर लेते हैं, और वो ही प्रोसेस इस चैप्टर की दुखती नस है। यानी कि आपको वो प्रोसेस समझ में आ गए तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो ये है इस चैप्टर के प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस कंसंट्रेशन, इसको ड्रेसिंग भी बोलते हैं, सेकंड रिडक्शन या इसको स्मेल्टिंग भी बोलते हैं, थर्ड प्यूरिफिकेशन। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चार्ट से बन जाएंगे, आपको ये याद रखना होगा, समझा भी देंगे अभी साथ के साथ। लेकिन आप क्या करते हो कि सर स्टार्टिंग से NCERT खोलते हैं सब, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि इनऑर्गेनिक NCERT से पढ़नी चाहिए, NCERT खोल दी, और फिर NCERT में थोड़े इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद में इंट्रोड्यूस करने के बाद में वहाँ पे वो काफ़ी ओर्स के एस्को के नाम लिख देता है जिनको याद करने में मौत आती है फिर, और वहीं से वो चैप्टर का इस चैप्टर से लगाव हट जाता है कि ये तो बस का ही नहीं है, इसमें तो काफ़ी चीज़ें याद करनी रटनी पड़ रही हैं। जब वो ओर के नाम नहीं याद होते तो अपन छोड़ देते हैं। तो आपको वो एक बार देख लेना है, बस सिंपल वे में आपको वो नेम्स जो भी हैं एक बार उनके फॉर्मूले और वो नेम्स देख लेने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है कि जैसे आप चैप्टर में आगे जाओगे, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे क्या होंगे, उन ओर्स का रिवाइज होते रहेंगे वो ओर्स, बारी बारी से वो ओर्स, उनका नाम इतनी बार आएगा कि वो आपके खुद ही रट जाएंगे। जैसे उन ओर्स का नाम याद आए, नाम आए, तो आप उनका फॉर्मूला सोच लो या फिर वहीं पर लिख लो, इस तरह से वो याद हो जाएंगे आपको। एक साथ रटने बैठोगे तो कुछ नहीं होगा।
बाकी जो एनसीईआरटी में एटलीस्ट वो तो याद करने ही करने अपने को, उनको याद करने के लिए सही मेथड बताया कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आते जाएंगे और वैसे वैसे आप उनको रिवाइज करते जाना, एक साथ करने बैठा हुआ कुछ नहीं होगा। बात करते हैं फिर मेटलर्जी के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहला कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग, फिर आता है रिडक्शन या स्मेल्टिंग, फिर तीसरा मेथड आता है प्यूरिफिकेशन। अब इम्प्योर और क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे गए अपन माइंस में, खदान में गए, चलो जाके अपने को सोना लेके आना है गोल्ड, जैसे अपन गए तो वहाँ पे गोल्ड तो होगा नहीं अपने को, अपन ने वहाँ पे गोल्ड जैसा दिखने वाला कुछ होगा, यानी कि गोल्ड के साथ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज होंगी। क्या मिलेगा अपने को, गोल्ड, गोल्ड तो होगा उसमें प्लस इम्प्योरिटीज उसमें काफ़ी ज़्यादा होंगी, ठीक है। उसको निकाल के ले आए अपन घर पे, फिर उसकी क्या करवाते हैं, उसको अपन गोल्ड इस इम्प्योरिटीज से गोल्ड को अलग करने के लिए अपन मेटलर्जी प्रोसेस करवाते हैं। और सबसे पहला प्रोसेस कौन सा करवाते हैं अपन, कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग करवाते हैं। जो भी पहला प्रोसेस करवा रहे हैं उसको बोलते हैं अपन कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग। फिर उसके बाद वो कुछ प्योर होता है, फिर उसको प्योर और बोलते हैं। फिर उसके बाद उसका रिडक्शन या स्मेल्टिंग करवाते हैं। उसके बाद अपने को गोल्ड तो इम्प्योर मिलता है, मेटल तो मिल रहा है लेकिन वो इम्प्योर है, फिर उसका प्यूरीफाई करते हैं तो अपने को प्योर मेटल मिलता है। ये तीन प्रोसेस करने होते हैं बस। तो सबसे पहले प्रोसेस की देख लेते हैं, इसी चार्ट में सारे आ गए आपके, जो याद करना था वो यहीं से याद करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग की। ये होता क्या है, कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन इंक्रीज की जाती है इसमें मेटल की। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ कांच का गिलास है मेरे पास, है ना, एक मैंने कांच का कप ले रखा है गिलास, मैंने इसमें डाल लिया वाटर। अब वाटर के साथ में क्या डालूंगा मैं, जाहिर सी बात है सबको पता होगा, मैं इसमें फिर मैंने डाल लिया अल्कोहल, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, पैक बना लिया मैंने। इस पैक में क्या होगा, अल्कोहल प्लस वाटर, यही होता है पैक में, वो अपने अकॉर्डिंग होता है, कोई कौन कितनी पीता उस अकॉर्डिंग अपने अल्कोहल और वाटर मिला लिया। अब मेरे को एक काम करना है यहाँ पे, मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग, तो मैं क्या कहूँगा, स्ट्रॉन्ग चाहिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को इसमें अल्कोहल ज़्यादा चाहिए। तो अल्कोहल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के दो मेथड है यहाँ पे, क्या करेंगे, एक तो मैं बाहर से अल्कोहल ऐड कर दूंगा, जो कि आप सभी सोच रहे हैं कि बाहर से अल्कोहल ऐड कर देंगे तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। फिर दूसरा मेथड जो मैं सोच रहा हूँ, हालांकि वो यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है लेकिन कर सकते हैं, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसमें से वाटर निकाल लूँगा, इस कप में से मैं वाटर निकाल लूँगा केमिकली रूप से, केमिकल रिएक्शन वगैरह करवा के, तो ये अल्कोहल बच जाएगा मेरे पास इसमें। जब इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा तो इसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से कंसंट्रेशन इंक्रीज की। अब बात आती है यहाँ पे इम्प्योरिटीज वाले केस में, कि एक तो मेरे पास क्या है, मेटल, और मेटल के साथ में क्या है, इम्प्योरिटीज, दोनों चीज़ें मेटल और इम्प्योरिटीज। अब मेरे को मेटल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है, मेटल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है, तो क्या मैं जो मेटल और इम्प्योरिटीज है, यानी कि जो मैं गोल्ड का वहाँ से माइंस में से जो मैं एक टुकड़ा लेके आया था जिसमें गोल्ड और इम्प्योरिटीज हैं, मैं उसमें बाहर से कुछ गोल्ड ऐड करूँगा क्या, उसमें बाहर से कुछ गोल्ड ऐड करूँगा उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए, इस बात का तो कोई सेंस नहीं निकलता। क्यों, क्योंकि जो गोल्ड मैं ऐड करूँगा वो भी इम्प्योर हो जाएगा फिर तो। हाँ, मैं ऐसे करूँगा कुछ ना मेथड अप्लाई करके मैं उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दूँगा, ये जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव कर दूँगा, तो मेटल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। और वही काम इसमें करते हैं कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग में। चलो इसको इधर कर लेते हैं ना, बारे बारे से एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, चीज़ें रटनी ना हो। तो कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग इस करने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है फिजिकली मेथड और एक होता है केमिकल मेथड। तो फिजिकली और केमिकल दोनों मेथड आप समझ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऐसे समझो वाटर है यहाँ पे, एक कोई टब बना रखा है मैंने, उसके अंदर वाटर है। वाटर जानते हैं ना H2O क्या होता है, एक पीने की चीज़ होती है जिसे शराब में मिला के पीते हैं। चलो एक बात बताना, पानी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए उसमें अल्कोहल मिला रहे हैं या फिर अल्कोहल के टेस्ट को बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिला रहे हैं? तो ये एक पानी का टब है, भूल जाओ उस चीज़ को भी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस टब में मैंने कुछ पत्थर मिला दिए इस तरह से, तो वो पत्थर होंगे कुछ छोटे छोटे, जो पत्थर थे वो यहाँ पे इस तरह से नीचे आ जाएंगे ग्रेविटी के कारण। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तो मैंने इसमें ये क्या मिलाया, पत्थर, फिर एक मैं मिला रहा हूँ उसमें KMnO4। KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे 12th में। ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके एक बैंगनी कलर बना लेता है, वॉयलेट कलर का सब्सटेंस बना लेता है, यानी कि पानी का कलर बैंगनी दिख रहा है।
अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने मिला दिया, रायता फैला दिया, फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को प्योर वाटर चाहिए, कैसे भी करके प्योर करके दो मेरे को, तो क्या करेंगे आप? आप जाएंगे सबसे पहले, आप ये पत्थर दिख रहे हैं आपको, तो आप इन पत्थरों को तो उठा के बाहर रिमूव कर देंगे इजीली। क्यों? क्योंकि ये आपको दिख रहे हैं, आप इन चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, तो ये होता है फिजिकली मेथड, जिसमें आपको कोई रिएक्शन वगैरह नहीं कर पा रहा है। यानी कि जब ये सोल्यूट हो गया, इसमें ये सोल्यूट जब इस सोलवेंट में सोल्यूबल नहीं है, तब अपन फिजिकली मेथड अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन इजीली उठाकर निकाल लें। फिर बात करें कैम्बेनोफोर कैसे निकालेंगे, तो ऐसे देख देख के कैम्बेनोफोर भी निकाल लेंगे। कैम्बेनोफोर तो घुल चुका उसमें, वो कैसे निकलेगा? उसको निकालने के लिए अपने को कुछ रिएक्शन वगैरह करनी पड़ती हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाके वाटर से वो रिमूव होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि जब सोल्यूट सोल्यूबल है, जब सोल्यूट सोल्यूबल है तब अपन ये लीचिंग या केमिकल मेथड करते हैं, लेकिन जब सोल्यूट इनसोल्यूबल होता है तब अपन फिजिकल मेथड करते हैं। तो फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस समझ में आया होगा क्या होता है। तो फिजिकल और केमिकल में मेथड डिफरेंस समझ में आ गया, तो पहले इसके फिजिकल मेथड देख लेते हैं कंसंट्रेशन के। सबसे पहला मेथड कौन सा है? जी एस यानी घनश्याम, ये नहीं है यहाँ पे। जी एस यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या है इसका? हाइड्रोलिक वॉशिंग। सबसे पहले समझो इसको, किसमें करते क्या है। इसमें कुछ इस तरह से पानी के बहाव के लिए एक रास्ता बनाया रखा होता है, कुछ इस तरह से। यहाँ से पानी के साथ में और को डालते हैं अपन, यानी कि वाटर प्लस और दोनों को डालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ें भारी होती हैं, जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है, यानी कि यहाँ पे ये मेथड कब लागू किया जाता है? जब उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है, यानी कि एक तो और में जब जो चीज़ें भारी होंगी, यानी कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो यहाँ पे रुक जाएंगी नीचे, फिर जो भी कुछ बच गई फिर वो यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर और बच गए फिर वो यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर और बच गए कुछ वो यहाँ पे रुक जाएंगे, कुछ इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है बारी बारी से। यानी कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे आ जाते हैं ग्रेविटी के कारण, लेकिन जिनकी डेंसिटी इक्वल होती है वो वाटर के साथ जाते रहते हैं इस तरह से। यानी कि ये क्या होता है, इम्प्योरिटीज यहाँ पे रुक गई और जो मेटल था प्योर वो कुछ इस तरह से वाटर के साथ निकल गया फिजिकली। ऐसे होता है ना, बजरी धोने का काम ऐसे ही तो होता है कि जब इस तरह से बजरी ऊपर से यहाँ से बजरी को डालते हैं, ऊपर से बजरी डाली जाती है और यहाँ पे नीचे से पानी हाई प्रेशर से डाला जाता है, तो पानी के साथ सोल्यूबल चीज़ें ऊपर चली जाती हैं और जो चीज़ें भारी होती हैं वो नीचे आ जाती हैं। तो ये याद रखना कि डेंसिटी में डिफरेंस के कारण ऐसा हो पाता है। अब इसमें याद क्या करना है, ये आपको समझने के लिए था कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करते हैं, रटना नहीं पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ये किन किन के लिए होता है, ये होता है ऑक्साइड्स हो, जब ऑक्साइड्स प्रेजेंट हो कंसंट्रेशन तो अपन इस मेथड से करेंगे, या फिर कार्बोनेट प्रेजेंट हो तो इस मेथड से करेंगे। यानी कि ऑक्साइड और कार्बोनेटों के लिए ये वाला फिजिकल कंसंट्रेशन का फिजिकल में ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस MS की, ये क्या है मामन स्वामी, MS ये क्या हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से पता चल रहा है कि इनमें से किसी भी इम्प्योरिटी अपने पास और में क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है प्लस मेटल होता है, उन दोनों में से कोई भी एक में क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक करेक्टर होना चाहिए, जब जाके ये वाला मेथड अपन अप्लाई करते हैं। ऐसे नहीं कि ये सारे मेथड एक ही पे अप्लाई कर रहे हैं, ये देखते हैं कि जब मैग्नेटिक आ रहा है, मैग्नेटिक करेक्टर आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन वाला मेथड ही अप्लाई करते हैं, जब डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है तो ग्रेविटी सेपरेशन वाला करते हैं। इस तरह से अलग अलग मेथड अलग अलग ओर्स के लिए यूज होता है, सभी मेथड नहीं लगते एक पे। तो ओर में क्या होता है, इम्प्योरिटी प्लस मेटल। अब इसको समझो इसमें होता क्या है, इसमें कुछ इस तरह से रोलर बने हुए होते हैं और उन रोलर को पट्टे की सहायता से जोड़ा हुआ होता है, और ये रोलर कैसे होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेट के बने होते हैं, यानी कि ये मैग्नेटिक होते हैं। अब यहाँ से ओर को डाला जाता है, ओर को यहाँ से डाला जा रहा है, यानी कि ओर में क्या है, इम्प्योरिटी और मेटल दोनों है, उनको डाला जा रहा है यहाँ पे। और ये जो पट्टा है, ये रोलर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, तो यानी कि ये पट्टा चलता होगा कुछ इस तरह से, ये चलता जा रहा है। और फिर यहाँ पे दो बीकर रख देते हैं बर्तन, एक तो ये रख दिया मैंने और एक कुछ ये रख दिया। अब जैसे जैसे ये और यहाँ से चलते आ रहे हैं तो क्या होगा,
कि जो मैग्नेटिक होगा यानी कि वो इम्प्योरिटी या मेटल में जो भी कोई मैग्नेटिक करेक्टर रखता होगा वो इस रोलर से चिपकता रहेगा, क्योंकि रोलर मैग्नेटिक है तो यानी कि अट्रैक्ट करेगा। अब जब इससे चिपकता रहेगा तो वो यहाँ पे आके गिरेगा इसके बिल्कुल पास में, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण गिरना तो नीचे है, क्योंकि ये पट्टा क्या है, कुछ अलग, ये मैग्नेटिक नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे आते आते ये यहाँ पे इस तरह से गिरता जाता है। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक होता है, जो नॉन मैग्नेटिक होता है उसको अट्रैक्शन नहीं मिल रहा होगा तो वो स्पीड से आ रहा है, तो यानी कि वो सीधा ही जाके या दूर जाके गिरता है इससे। तो ये क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस। इस तरह से इनको अलग अलग क्या किया अपन ने, रिमूव कर लिया दोनों को। इस प्रोसेस में ये कहानी होती है। अब याद रखना, इस प्रोसेस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है और में जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो अपने को स्टोरेज करना पड़, उसको स्टोरेज किया जाता है रोलर के पास में या रोलर से दूर। तो मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट मैग्नेट अट्रैक्ट होंगे तो उसको रोलर के पास में किया जाता है, और जो नॉन मैग्नेटिक होता है उसे रोलर से दूर किया जाता है। तो ये था इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब इसमें इंपॉर्टेंट किसका कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक करेक्टर शो कर रहे होते हैं। तो एग्जांपल, इसका सबसे फेमस एग्जांपल है कैस्टराइट इन वुल्फ्रेमाइट, ये याद रखना है। अब कैस्टराइट और वुल्फ्रेमाइट इनका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो कैस्टराइट क्या होता है, एक टिन का एस होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है SnO2। और वुल्फ्रेमाइट W से याद रखना, W फॉर टंगस्टन। वुल्फ्रेमाइट में क्या होता है, ये टंगस्टन का एस होता है और होता है, यानी कि इसमें Fe WO4 प्लस एक बार MN के साथ में MnWO4। ये वुल्फ्रेमाइट किस किस का, टंगस्टन का होता है और कैस्टराइट टिन का होता है। तो इनमें जो इम्प्योरिटी होती है वो वुल्फ्रेमाइट इम्प्योरिटी है यहाँ पे, और कैस्टराइट यहाँ पे ये मेटल प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देख लो इम्प्योरिटी क्या है, मैग्नेटिक है ना, FeRi यानी कि ये वाली मैग्नेटिक होती है। ऐसे बता दें, कैस्टराइट जब अपन वुल्फ्रेमाइट को, क्वेश्चन ऐसे दे दे कि जब अपन वुल्फ्रेमाइट को कैस्टराइट से अलग कर रहे होते हैं, मेटलर्जी कर रहे होते हैं, तो वुल्फ्रेमाइट मैग्नेटिक सेपरेशन में प्राप्त होगा। ऐसे डायग्राम दे देगा तो अपन बता देंगे कि मैग्नेटिक सेपरेशन में यानी कि ये मैग्नेटिक करेक्टर रखता है वुल्फ्रेमाइट, तो इसकी स्टोरेज यहाँ पे होगी और कैस्टराइट की यहाँ पे होगी, इस तरह से। और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इनमें, ये याद रखने में। फिर जैसे Fe2O3 क्या बोलते हैं, हेमेटाइड, फिर Fe3O4 मैग्नेटाइड, इन सब में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक करेक्टर मिल ही जाते हैं, तो इस वजह से इनका भी मैग्नेटिक सेपरेशन से होता है। फिर एक और याद रखना, Fe2, जिसे क्या बोलते हैं, Fe2 फूल्स गोल्ड, याद रखना Fe2 फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना, क्यों? क्योंकि सोने की तरह दिखता है लेकिन है नहीं इसमें कुछ गोल्ड। तो ये खत्म होता है फिजिकल का मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब चलते हैं फिजिकल के थर्ड मेथड। थर्ड कौन सा है यहाँ पे, फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस FFP, ये किसके लिए करते हैं, इसका भी अभी डिस्कशन कर लेते हैं। तो FFP की फुल फॉर्म लिख लो सबसे पहले, फ्रॉथ फ्लोटिंग मेथड, जब प्रोसेस P लिखा हुआ तो फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस। अब ये किस बेसिस पे होता है, यहाँ पे लिख रखा है वेटिंग करेक्टर। वेटिंग करेक्टर जानते हैं क्या होता है, कि जैसे भीगने का करेक्टर किसका ज़्यादा होता है, कि जैसे अपन एक तो कागज है और एक अपने पास रुई है कॉटन, तो कागज और कॉटन दोनों को अपन वाटर में डालेंगे तो भीगेगा ज़्यादा, वाटर एब्जॉर्ब कौन करेगा, कॉटन, क्योंकि उसमें वेटिंग करेक्टर ज़्यादा है, भीगने का करेक्टर उसका ज़्यादा है, लेकिन कागज का कम है तो वो कम एब्जॉर्ब करेगा, इस तरह से ये डिपेंड करता है। अभी समझ में नहीं आया कुछ, अभी आ जाएगा समझ में। इसमें क्या होता है कि इस तरह से एक बड़ा सा बर्तन होता है कुछ, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे अपन ने ओर डाल दिया, जिस भी ओर का अपने को करना है ओर डाल दिया, प्लस उसके साथ में अपन और भी कुछ अदर चीजें भी ऐड कर रहे हैं, वो बताएंगे वो चीजें अपन क्या क्या करते हैं, और भी ऐड कर रहे हैं वोटर के साथ में, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये इस तरह से फिल हो गया, कुछ भर जाएगा यहाँ तक इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, एक एयर पंप लगा हुआ होता है यहाँ, ऐसे एयर पंप जो कि बारी बारी से एयर को पंप कर रहा होता है, और उसके बराबर में यहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ होता है। अब क्या होता है, ये एयर इस प्रकार से पंप की जाती है ना, यहाँ पे एयर पंप करने का कारण क्या है, मोटिव क्या होता है, झाग बनाना।
कि जैसे इसमें एयर पंप करेंगे अचानक से तो इसमें झाग बनने लगते हैं, जैसे साबुन सर्फ की झाग बनता है कपड़े धोते समय, तो इसी तरह इसमें झाग बनते हैं। अब जो चीज़ें जिनको भीगने का करैक्टर ज़्यादा होता है, यानी कि वो भारी हो जाएंगी, जिनका भीगने का करैक्टर ज़्यादा होगा, वो इसमें कुछ इस तरह से उनकी झाग नहीं बन पाएंगी, वो नीचे आ जाएंगी। लेकिन जो चीज़ें जिनमें भीगने का करैक्टर कम है, यानी कि जो झाग वाग बना लेते हैं, वो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऊपर की ओर आ जाएंगे। झाग बनेंगे तो झाग तो तैर के ऊपर ही आ जाएंगे ना। फिर इन ये जो झाग बन गए, इनको रिमूव कर लिया जाता है इस तरह से विलोडक की सहायता से। ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होगा तो उसके ये घूमता रहता है, तो उसके द्वारा अलग पेन से बनाते हैं ना, ये कुछ इस तरह से ऐसे घूमता रहता है यहाँ पे, तो उसके द्वारा ये रिमूव हो जाता है, इस बर्तन में उनको निकाल लिया जाता है। तो एक्चुअली में जो झाग बनते हैं वो बनते हैं जिस मेटल को अपने को प्यूरीफाई करना होता है, जो जपने को चाहिए होते हैं उसका झाग बनता है, लेकिन जो इम्प्योरिटी होते हैं उसके बनते नहीं हैं। ये करैक्टर वेटिंग करैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और मोस्टली ये करता है सल्फाइड ओर के लिए। ये वाला अपन अप्लाई करते हैं सल्फाइड ओर के लिए, मोस्टली बता रहा हूँ मैं, ऑलवेज नहीं। इसमें एक एक्सेप्शन है, Ag2S लिख लो, इसका अपन FFP नहीं करा सकते। Ag2S का अपन क्या नहीं करवा सकते, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस द्वारा इसको कंसनट्रेट नहीं कर पाते। तो ये तो था समझ में आया FFP होता क्या है। अब इसमें कुछ टर्म्स आ रहे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फ्रोथिंग एजेंट, ये क्या होता है। जैसे अपन ने यहाँ पे सल्फाइड ओर डाल दिया, कोई भी सल्फाइड ओर मान लो, जैसे अपन ने FeS2 यहाँ पे डाल दिया, तो सल्फाइड ओर के जो फ्रोथिंग एजेंट होता है पाइन ऑयल, फैटी एसिड या यूकेलिप्टिस ऑयल, इसके साथ में डाला जाता है। प्लस मैं फ्रोथिंग एजेंट डाल रहा हूँ, तो ये क्या काम करता है, ये इसके फ्रोथ यानी कि इसके झाग बनाने में, फोम करने में इसकी हेल्प करता है। FeS2 में ये सल्फर के झाग बनाने में मदद करता है, फ्रोथिंग एजेंट इसे बोलते हैं। फिर होता है एक फ्लोटिंग एजेंट, इसको फ्लोटिंग एजेंट को कलेक्टर भी बोल देते हैं कई बार, कलेक्टर यानी कि संग्राहक। फ्लोटिंग एजेंट क्या होता है, ये क्या करता है कि यहाँ पे जो झाग बन गए इस तरह से, यहाँ पे कुछ नीचे यहाँ पे झाग वाग बने होंगे, अब ये उन झाग को तैरा के ऊपर ले जाने का काम करता है, कौन, फ्लोटिंग एजेंट। जैसे सोडियम एथिल जेंथेट, फ्लोटिंग एजेंट के रूप में सोडियम एथिल जेंथेट का यूज होता है। तो ये जो झाग बन गए इनको ऊपर ले जाने का काम कर रहा है, यानी कि इनको कलेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसे कलेक्टर भी बोल देते हैं। फिर आता है एक स्टेबलाइजर, ये क्या करता है, ये क्या करता है कि जो झाग होते हैं उनको स्टेबल करता है, उनको स्टेबिलिटी प्रदान करवाता है। क्यों, क्योंकि जैसे झाग यहाँ पे बने तो उनको यहाँ से जाने में, यहाँ तक जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में उनको टाइम लगेगा, तो पता चला यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम में तो वो फॉर्म ही खराब हो गया, वो झाग ही वापस डिजोल्व हो गया वाटर में, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे ये जो स्टेबलाइजर है ये इसके टाइमिंग को बढ़ाते हैं, कि एनिलीन और क्रिसोल वगैरह मिलाते हैं तो फॉर्म काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं। फिर बात करते हैं एक्टिवेटर और ये डिपर्जेंट डिप्रेसर क्या होते हैं, ये समझने वाली चीज़ें हैं, बाकी ये याद करना आपको क्या क्या होते हैं। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फ्लोटिंग एजेंट क्या होता है, फ्लोटिंग एजेंट का एग्जांपल दीजिए, स्टेबलाइजर का एग्जांपल दीजिए। बात करते हैं एक्टिवेटर और डिप्रेसर की। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ओर है जिसमें PbS यानी कि लेड का और ZnS जिंक के दोनों के सल्फाइड है, उसमें Pb और जिंक दोनों के सल्फाइड। अब मेरे को यहाँ से केवल Pb का सल्फाइड अलग करना है, यानी कि यहाँ पे ZnS है ये इम्प्योरिटी का काम कर रहा है, तो मैं इस PbS को अलग करना चाहता हूँ। तो इस FFP फ्लोटिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जो फ्रोथिंग एजेंट होगी ये तो सल्फाइड ओर के ही झाग बना दें, पता है, तो यानी कि अब ये दोनों ही सल्फाइड है, ये दोनों ही सल्फाइड ओर है, तो ये तो इन दोनों के ही झाग बना देगा, तो दोनों ही ऊपर चले जाएंगे, दोनों को निकाल लेंगे, तो क्या मतलब दोनों तो अलग हुए ही नहीं। इस टाइम पे काम आते हैं एक्टिवेटर और ये डिप्रेसर। अब यहाँ पे जो डिप्रेसर होता है ये क्या काम करता है, डिप्रेस करने का नाम से पता चल रहा है, NaCN KCN वगैरह। अभी ये क्या होता है कि स्पेसिफिक जिस अपने को, जिस सल्फाइड के अपने को फोम या झाग नहीं बनाने, उसको ये डिप्रेस कर देता है। कैसे, जैसे ZnS है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, इससे रिएक्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है ZnCO का होल 4+2 बनता है, या फिर ऐसे सल्फर अलग हो जाता है, और Na+ या K+ NaCN लेंगे तो Na+ KCN लेंगे तो K+ यहाँ पे बच जाता है। तो ये क्या किया, यहाँ से ZnS क्या हो गया, रिएक्ट कर गया। लेकिन जो PbS होता है वो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, नो रिएक्शन,
रिएक्शन ही शो नहीं करेगा, यानी कि पीएबीएस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ZNS यहाँ से रिएक्ट कर लेगा, चला जाएगा, यानी कि डिप्रेसर का काम हो गया। तो इस तरह से एक्टिवेटर और डिप्रेसर काम में लिए जाते हैं, एक स्पेसिफिक किसके, एक स्पेसिफिक सल्फाइड ओर के झाग बनने से रोकने के लिए या फिर बनाने के लिए। तो इस तरह से होता है फिजिकल मेथड खत्म, कंसंट्रेशन के फिजिकल मेथड खत्म। अब बात करते हैं केमिकल मेथड, चूँकि केमिकल एक ही मेथड है लीचिंग, इसलिए सिर्फ केमिकल या लीचिंग एक ही बात है, दोनों में से कोई भी बोल दो। तो ये क्या होता है, जब सोल्यूट सोल्यूबल होता है सोलवेंट में, तब ये वाला अपन यूज़ करते हैं। ये होता है एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिना का निकसालन, बॉक्साइट से एल्यूमिना को जब रिमूव किया जाता है तब ये लीचिंग प्रोसेस काम में आता है। इसके लिए सबसे पहले होता है बेयर्स प्रोसेस, फिर होता है हॉल्स प्रोसेस, फिर सरफेक प्रोसेस, तीन प्रोसेस होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग काम की होती हैं, इनको अभी समझेंगे अपन कब। ये रिएक्शन है, इनको नेक्स्ट में देखेंगे लास्ट में कि इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लेकिन आप हिंट के लिए भी यहाँ पे याद रख लो कि बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, सरफेक्स प्रोसेस, इनमें लीचिंग होती है। और फिर एक लीचिंग किस में होती है, गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी का जो निकसालन करते हैं उसमें भी लीचिंग प्रोसेस होती है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेट करने के लिए अपन लीचिंग करते हैं। फिर देखेंगे इनकी रिएक्शन लास्ट में। तो जैसे मैंने कंसंट्रेशन की, इम्प्योर ओर चेंज हो गया प्योर ओर में, अब मेरे को रिडक्शन करवाना है। तो रिडक्शन करवाने से पहले इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि रिडक्शन करवाने से पहले मैं क्या करता हूँ, उनको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करता हूँ। जो भी प्योर मेटल मिला मेरे को यहाँ से, मैं उसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करता हूँ। और उस ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करने के दो प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन और दूसरा बोलते हैं रोस्टिंग। इन दोनों में से किसी भी एक के द्वारा अपन ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो यानी कि ऑक्सीडेशन के, ऑक्सीडाइज करने के प्रोसेस है। सबसे पहला बात करते हैं कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कब कब करते हैं। ये कब करते हैं, जब जब कार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो या फिर हाइड्रोक्साइड हो। कार्बोनेट ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के केस में इनको यूज करते हैं, कैल्सिनेशन का यूज करते हैं। जब कार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो तब कैल्सिनेशन का यूज करते हैं। रोस्टिंग का यूज कब करते हैं, जब सल्फाइड और करते हैं। जब सल्फाइड होता है तो अपन रोस्टिंग करवाते हैं, और जब कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड हो तो अपन कैल्सिनेशन का यूज करते हैं। कैल्सिनेशन में करते क्या है एक्चुअली में, ये तो पता चला कि कब करते हैं, इसमें करते क्या है एक्चुअली में, इसमें कुछ करते कुछ नहीं, बस इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं कार्बोनेट को, ऑक्साइड को और हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं। कब, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कब, जब एयर एब्सेंट होती है तब कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, हीट करते हैं सल्फाइड ओर को, कब, जब प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में इसको करते हैं। कई बार यहाँ पे क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ एयर या फिर यहाँ पे लिमिटिंग, लिमिटेड एयर भी होती है, लिमिटेड भी चल सकती है थोड़ी बहुत, लिमिटेड भी क्वेश्चन आ रखा है तो लिमिटेड भी अपन मान सकते हैं यहाँ पे, जब ऑप्शन में कुछ ना हो तो। एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटिंग एयर या फिर प्रेजेंस ऑफ एयर में ये होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। फिर देखते हैं कैल्सिनेशन से अपने को क्या मिलता है, कैल्सिनेशन से CO2 मिलेगा, कब, H2O मिलेगा, किसके साथ में मिलेगा, ऑक्सीडाइज मेटल के साथ में, मेटल तो ऑक्सीडाइज होएगी उसके साथ में CO2 और H2O मिलेगा। अब यहाँ पे मेटल तो ऑक्सीडाइज तो होएगा, फिर साथ में क्या मिलेगा, SO2 सल्फर है, तो बस ये होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तीनों छोटी हैं लेकिन इसकी प्रॉपर्टी याद रखना, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो चार्ट बता रहे हैं ये नबजेस चैप्टर की, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे जो बनने होंगे। तो चलो, अपने पास क्या हुआ कि जो मेटल था प्योर ओर था वो किस में चेंज हो गया, अपन ने जो प्योर ओर था उसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में चेंज किया, अब उसका रिडक्शन करवा रहे हैं। ऑक्सीडाइज फॉर्म में किसके द्वारा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के द्वारा करते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कब करवाते हैं नीचे समझाया, आराम से देख ले। अब बात करते हैं रिडक्शन या स्मेल्टिंग, इसमें रिडक्शन होते हैं, रिड्यूस करते हैं मेटल को, ऑक्सीडाइज फॉर्म में उसको रिड्यूस करते हैं, फिर जिससे अपने को इम्प्योर मेटल मिलता है। तो उसके करने के काफ़ी मेथड हैं। सबसे पहला आता है कार्बन रिडक्शन मेथड, यानी कि जब कार्बन की सहायता से करते हैं, कार्बन या CO, कोक भी बोलते हैं, दोनों की सहायता से करते हैं। तो ये कब करवाते हैं, जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जैसे PbZn, SN, Fe, Cu वगैरह के केस में कार्बन रिडक्शन करवाते हैं। फिर बात करते हैं ये एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस, ये दूसरा प्रोसेस। तो ये जो है एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि Cr2O3, TiO2, Mn2O3 वगैरह का अपन क्या करते हैं रिडक्शन करवाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट क्या है, एल्यूमिनियम, यानी कि इनकी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन आगे लगेंगे। याद करना क्या है यहाँ पे, किन किन के लिए होता है, क्वेश्चन इन पे ज़्यादा बनते हैं, तो याद हो गया। फिर चलते हैं नंबर 3, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेशन मेथड होता है, यानी कि सिल्वर ग्लांस, यानी कि अवक्षेप बनता है। कैसे बनता है अवक्षेप, इसमें प्रेसिपिटेट ऐसे बनता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है
कि जैसे बात करें Fe जो आयरन होता है ये कैन प्रेसिपिटेट कर सकता है Cu को, कि आयरन और जब आयरन यानी कि उसको क्या कर सकता है रिप्लेस कर सकता है Cu को, तो यानी कि Cu जब डिजोल्व हो रखा है फिर उसको जब आयरन से रिप्लेस किया जाता है तो Cu एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो इस वजह से उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है जिसको अपन आसानी से अलग कर लेते हैं फिर। तो ये क्या होता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट से रिप्लेस किया जाता है। फिर चलते हैं 4 पे, सेल्फ रिडक्शन मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया? इस सेल्फ रिडक्शन मेथड, इसमें क्या होता है कि जो कम एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मेटल होते हैं कम एक्टिव, उनके लिए ये वाला मेथड यूज में लिया जाता है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए ये वाला मेथड यूज में लिया जाता है कि इनके ऑक्साइडों को जब हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो इनके इनके क्या होते हैं, उनकी लेस स्टेबिलिटी होती है, यानी कि इनके जो ऑक्सीडाइज करने के लिए, इनको रिड्यूस करने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे पहले कार्बन में CO था, एल्यूमिनियम में Al था, प्रेसिपिटेशन में कोई मोस्ट रिएक्टिव गैस थी, सेल्फ रिडक्शन में कोई ही भी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती रिडक्शन के लिए क्योंकि लेस रिएक्टिव पहले से ही है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम आदि के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड या फिर क्लोराइड, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, मिक्सिंग फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्योर मेटल अपने को प्राप्त होता है वो होता है कैथोड पे, जो प्योर मेटल मिलेगा अपने को वो कैथोड पे मिलता है जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के बाद। इसमें याद रखने वाली ये चीज़ थी कि प्योर मेटल कहाँ पे मिलता है और किन किन का होता है। फिर इस तरह से रिडक्शन होने के बाद जो अपने को इम्प्योर मेटल मिला, यानी कि जो मेटल मिला अपने को वो इम्प्योर अभी, और उस इम्प्योर मेटल को प्यूरीफाई द्वारा अपन प्योर मेटल में चेंज करते हैं, यानी कि प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन के भी काफ़ी मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा है? डिस्टिलेशन। इसमें क्या करवाते हैं, इस मेथड में कुछ ज़्यादा नहीं करवाते कि वे मेटल जिनका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कम होता है, उनको इस मेथड से अपन क्या कर सकते हैं आसानी से हटा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मेटल होता है वो इम्प्योर है यहाँ पे अभी, यानी कि मेटल के साथ में कुछ इम्प्योरिटी भी है। डिस्टिलेशन में क्या होगा कि जैसे मेटल है उसके साथ में कुछ इम्प्योरिटीज, अब तो क्या होता है कि इन इम्प्योरिटीज़ का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन जो मेटल होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है यानी कि मेटल की वाष्प में जल्दी, यानी कि मेटल वेपर फेज में जल्दी आ जाएगा इस तरह से, तो इसको पहले इकट्ठा कर लेंगे, फिर इसके बाद में जो इम्प्योरिटी होगी वो यहीं पे रुक जाएंगी और इस मेटल को अपन ठंडा कर लेंगे बाद में इस वेपर को, तो जिससे अपने को प्योर मेटल मिल जाती है। फिर आता है दूसरा लिक्विफेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है यानी कि गलनांक जिनका कम होता है उनका यूज में, उनके लिए अपन प्यूरिफिकेशन मेथड लिक्विफेक्शन यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह से एक सेटअप किया होता है परावर्तनी भट्टी में जिसके लिए अपन पढ़ेंगे अभी। सेटअप में क्या होता है कि यहाँ पे इसको गर्म किया जाता है, यहाँ पे इस मेटल को जो इम्प्योर मेटल है उसको फिल किया जाता है, तो जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, उनका गलनांक क्या होता है ज़्यादा होता है, लेकिन जो मेटल है उसका गलनांक कम होता है, तो इसलिए वो मेटल क्या होते हैं बारी बारी से मेटल तो पिघल के यहाँ आता रहता है लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहीं पर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उनका लिक्विफेक्शन यानी कि उनका गलनांक ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए वो बह नहीं पाती, लेकिन जो मेटल होता है वो बह के यहाँ पे आ जाता है, इसको इकट्ठा कर लिया जाता है और यहाँ पे ये प्योर होता है। यहाँ पे एक बात नोट कर रहे हैं ना आप क्या, कि यहाँ पे जो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा था इम्प्योरिटी का, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है इम्प्योरिटीज का। फिर आता है क्रोमेटोग्राफी, ये तो फिफ्थ चैप्टर में पढ़ रखा है सबने, भूल के फिफ्थ चैप्टर तो था ही क्या, अरे याद करो उसमें क्या था फिफ्थ चैप्टर में, अधिशोषण, अवशोषण, एडजॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, पता नहीं क्या होता है AD और AB। तो क्रोमेटोग्राफी किन के लिए यूज करते हैं, ये तो पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में। तो यानी कि जो मेटल्स जिनका अपन क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनको अधिशोषित कर पाते हैं जैसे गैस या लिक्विड की फॉर्म में ज़्यादा होते हैं, तभी ये वाला क्रोमेटोग्राफी अपन यूज लेते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे आता है अपने पास क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इसमें दो चीज़ें याद रखनी है आपको, ये पूरा मेथड आपको याद नहीं रखना है। इसमें क्या होगा कि जो इम्प्योर मेटल है, जो मेटल इम्प्योर है, जैसे इस तरह से इसमें दो सेटअप किया जाता है, ये होता है एनोड और कैथोड, इस तरह से किया जाता है, ये वाला एनोड होता है, ये वाला कैथोड होता है, फिर इसको एक अपन सहायता से जोड़ देते हैं इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तब यहाँ पे क्या होगा कि जो एनोड और कैथोड ये दे रखा है, यानी कि कैथोड पे क्या होता है कि अपन इम्प्योर मेटल लेते हैं, कि जो मेटल यहाँ पे अपने को मिला है वो मेटल अपन कैथोड पे लगाते हैं, तो यहाँ पे एनोड पे अपने को प्योर मेटल प्राप्त होता है। क्यों? तो इस तरह से जब बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ से जो मेटल है प्योर मेटल है वो निकल के इस पे आ जाता है, मेटल और इम्प्योरिटीज यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं जिन्हें एनोड पंक बोलते हैं।
तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है, यानी कि प्योर मेटल अपने को एनोड पे और इम्प्योर मेटल कैथोड पे प्राप्त होती है। ये याद रखने वाली चीजें क्या है यहाँ पे, एनोड और कैथोड पे क्या क्या होता है। फिर आता है एक जोन रिफाइनिंग, इस पे तो नीट 2019 में भी क्वेश्चन पूछा भी एनटीए वालों ने। तो जोन रिफाइनिंग में क्या किया जाता है, इस तरह से एक जो अपने पास इम्प्योर मेटल है वो ली जाती है, फिर इसके चारों ओर एक हीटर लगा दिए जाते हैं इस तरह से। फिर ये हीटर क्या होता है, बारी बारी से ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, ये काफ़ी गर्म होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनका क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि जब धातु सॉलिड होती है, यानी कि जब ये मेटल सॉलिड है तब ज़्यादा है, लेकिन जब ये क्या होगी कि जब ये अपनी गलित अवस्था यानी कि ये मेल्टिंग मेल्ट हो जाएगी तब उनकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से ये बारी बारी ऐसे नीचे चलता रहता है और ये प्योर होता जाता है, ऊपर से प्योर होता जाता है नीचे। तो ये वाला प्रोसेस किया जाता है जब अपने कोई भी चीज़ जब ज़्यादा प्योर फॉर्म में चाहिए होती है तब किया जाता है। तो ये क्या होता है, मोस्टली अति शुद्ध, यानी कि अपने को जब चीज़ बहुत ही प्योर चाहिए होती है तब ये वाला प्रोसेस जोन रिफाइनिंग किया जाता है, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए होता है ज़्यादातर। फिर बात करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेटल होता है उसको पहले वेपर फॉर्म में चेंज किया जाता है, जो इम्प्योर मेटल है अपने पास में उसको वेपर फॉर्म में अपन चेंज करेंगे, फिर उसके बाद उस वेपर को अपन क्या करेंगे स्टोर कर लेते हैं एक जगह, और फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं इसका विघटित करते हैं, इसको तोड़ते हैं और अपन प्योर मेटल यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए इसको करने के दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है मांस प्रोसेस, एक वान आर्केल मेथड होता है। तो जो मांस प्रोसेस होता है ये निकल के लिए करते हैं, निकल को किसके साथ गर्म किया जाता है, इसमें निकल को सीओ के साथ प्रवाह के साथ गर्म किया जाता है, जिससे अपने को वेपर मिलती है और एनआई यहाँ पे प्योर फॉर्म में मिल जाता है उसको विघटित करने के बाद में। तो ये मांस प्रोसेस होता है। फिर दूसरा वान आर्केल मेथड जो ZR और TI के लिए किया जाता है, जिसको भी टाइटेनियम के लिए वाला मेथड अपन करते हैं। ये क्या करता है, इस मेथड से जो इनमें क्या होता है कि ज़्यादातर क्या होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि उनको हटाने के लिए ये वाला प्रोसेस काफ़ी इफेक्टिव होता है। वान आर्केल मेथड से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हटाया जाता है। तो इस तरह से मेटलर्जी के प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। अब आता है एक रिडक्शन में थर्मोडायनामिक्स कैसे होते हैं, उसके लिए एलिंगम आ रहा है वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी रिएक्शन है वो एक साथ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनने होंगे वो इसी चार्ट से बनेंगे, तो ये चार्ट तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। और ये मेटलर्जी कुछ बेसिक टर्म्स थे जो आपको याद हो गए होंगे शायद। अब इस तरह से मेटलर्जी का एक पार्ट अपन खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन मेटलर्जी के एलिंगम डायग्राम और उसकी रिएक्शन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।